नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। वेब सीरीज देखकर बम बनाने वाले सलून कारागिर राहुल पगाड़े को अपने कृत्य के अंजाम की जानकारी नहीं थी, इसलिए करीब एक माह पहले बम बनाने का विचार आने के बाद वह तैयारी में जुट गया था। राहुल से पूछताछ में इसका पता चला है। 25 वर्षीय राहुल शनिवार की दोपहर एयर बैग में कथित बम लेकर नंदनवन थाने पहुंचा था। पुलिस की पहली नजर में उसके मनोरोगी होने का एहसास हुआ। उसके बैग खोलकर देखते ही पुलिस के पैरों तले की जमीन खिसक गई। इसके बाद पुलिस ने बम शोधक नाशक टीम बुलाकर कथित बम को निष्क्रिय किया। राहुल मूलत वार सिवनी निवासी है। माता पिता की मृत्यु हो गई है जबकि दो बहनें विवाहित है। लॉकडाउन की वजह से काम छूटने के बाद मोबाइल पर वेब सीरीज, यूट्यूब और मूवी देखकर टाइम पास करने लगा। राहुल और कुछ नया करने के चक्कर में बम बनाने की सामग्री जुटाने लगा। उसने एक पल के लिए भी यह नहीं सोचा कि विस्फोटक सामग्री घर में इकट्ठा करना भी गंभीर अपराध है। इसके मन में केवल कुछ नया कर गुजरने की बात थी, लेकिन 3 दिन पहले बैटरी लाने के बाद से उसे धमाका होने की चिंता सताने लगी। इसी चिंता की वजह से वह शनिवार को बम लेकर थाने पहुंच गया। पुलिस के मुताबिक किसी विशेष इरादे से कथित बम बनाए जाने का पता नहीं चला।